हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड, अच्छे ही रहना है ना। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर एंड किया था। नेक्स्ट चैप्टर आता है ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि जो सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ना, यही तो जानते हैं। तो देखो, कुछ लोग समझते हैं कि इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। हम लोग मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो नहीं बोलेंगे, है ना, जो मतलब जानकार है, पढ़े लिखे तो सभी हैं जानकार, है ना। तो क्या होता है कि ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, मतलब ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज और ब्रीदिंग पार्ट आता है, रेस्पिरेशन नहीं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो जरा देखते हैं हम लोग ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग देखते हैं। फिजियोकेमिकल प्रोसेस। देखो, अब यहां पे हमने लिख दिया फिजियोकेमिकल प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ब्रीथ करते हैं ऐसे तो ये फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल, तो फिजियो हो गया, और केमिकल बच्चा क्योंकि केमिस्ट्री यानी कि CO2 और O2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, जादू मंत्र नहीं है यहां, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच इंक्लूड्स है ना, इंस्पायरेशन, ठीक है ना, या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब आप समझ गए होंगे, फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मतलब हम लोग इनहेल किए, एक्सहेल किए, यानी कि इनहेल मतलब ऑक्सीजन अंदर गई, एयर अंदर गई, और एक्सहेल मतलब क्या होता है, एक्सहेलेशन मतलब CO2 बाहर आई, एयर बाहर आई, कंफर्म। तो ये प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, कंफर्म। अब देखो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, सबसे पहले बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा है बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि बेटा ये सेल में हो रहा है, ये सेल में हो रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, सेल अपने आप कर रही है इसको, क्या कर रही है, बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल। मतलब यहां पे क्या होगा, फूड, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो, है ना, तो ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल या फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऑक्सीजन को पहुंचाना काम किसका है, ब्रीदिंग का। फूड को सेल तक पहुंचाना किसका काम है, डाइजेशन का, यानी कि सेल के अंदर फूड पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई, तो जब फूड पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ फूड, यानी कि यह कंबसन ऑफ फूड होगा, और जब कंबसन ऑफ फूड होगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी। चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। तो बेटा इस तरीके से रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है, तो आप थोड़ा समझ गए होंगे, समझदार हैं आप लोग, है ना। आगे चलते हैं। अब बेटा क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इस पूरे दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, और उन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स। तो कौन कौन से देखते हैं जरा, वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स, है ना, डिफरेंट टाइप के वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स होते हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीबीएस। जीबीएस का मतलब क्या होता है बेटा, जनरल बॉडी सरफेस,
मतलब ऐसे कौन से इंडिविजुअल हैं जो अपनी बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। देखो जरा कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ जो होते हैं अमीबा, ये क्या करते हैं, इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है क्या? नहीं है। इनके अंदर लंग्स है क्या? नहीं है। ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। पक्का प्रोटोजोआ हो गया, कहा पोरीफेरा हो गया, ठीक है। इसके बाद सीलेंट्रेट हो गए, सीलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिंट्स, ठीक है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिंट्स, ये जो होते हैं, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। सेकेंड नंबर पे आता है, पहला नंबर इसको मान लेते हैं, सेकेंड नंबर पे आता है मॉइस्ट स्किन। क्या आता है बेटा? मॉइस्ट स्किन, है ना, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है? तो बेटा मॉइस्ट स्किन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कंफर्म, स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मॉइस्ट स्किन किसमें होता है? अब जानते ही होगी, स्किन मॉइस्ट होती है किसकी, और उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी नहीं होता है। तो बड़ा इसमें क्या आएगा? अर्थवॉर्म। क्या आएगा? अर्थवॉर्म, है ना, फेरिटिमा पोस्थमा, अर्थवॉर्म। पढ़ चुके आप लोग, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटा क्या आता है? और इसमें आता है जब फ्रॉग जमीन के अंदर चले जाते हैं, है ना, समझ रहे हो ना, डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, याद है कुछ? हाँ, याद आ रहा होगा। तो जमीन के अंदर जब चले जाते हैं, गर्मियों में ज्यादा नहीं दिखते, बरसात में बड़े बड़े मेढक दिखते हैं। तो जमीन के अंदर जाने के बाद किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? मिट्टी ऊपर होती है तो वो अपने माउथ के थ्रू तो कर नहीं सकते, तो सिंपल सी बात, किसके थ्रू करेंगे? कामा फ्रॉग। कौन? फ्रॉग। फ्रॉग भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। फिर अगला आता है, थर्ड नंबर है ट्रेकियल ट्यूब्स। ट्रेकियल ट्यूब्स, है ना, ये आपको हमने कॉकरोच में पढ़ाया होगा, शायद याद होगा आप लोग को, है ना, हमने तो पढ़ाया होगा। हम शायद लगा देते हैं इसलिए कि शायद आप लोग ऐसा सोचे कि क्या बता रहा सर, ये तो कभी पढ़ाई नहीं। ट्रेकियल सिस्टम, इंसेक्ट में पढ़ाया था कॉकरोच, जब आपको स्ट्रक्चर ऑर्गन्स और एनिमल्स पढ़ाया था तो कॉकरोच में उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताया था, तो आपको वहां पे बताया गया था ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है। तो बेटा ट्रेकियल ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, डायरेक्ट डिजॉल्व हो जाती है जाके किसमें? प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो वहां पे ये किसमें होता है? इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स में। फिर फोर्थ नंबर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या आता है? गिल्स। क्या आता है? गिल्स। गिल्स कैसा लिखता है? प्लेट लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? प्लेट लाइक, ऐसे प्लेट प्लेट बनी रहती है, है ना, प्लेट लाइक गिल्स आप देखे होंगे। थोड़ा सा अगर डायग्राम देखें तो इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये प्लेट्स रहती हैं इस तरीके से। तो गिल्स किसमें किसमें होता है बेटा, देखते हैं जरा। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड मतलब ज्वाइंटेड लेग्स वाले जो एक्वाटिक इंसेक्ट है वो, है ना, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। दूसरे फिर मोलस्क आएगा इसमें, क्या आएगा? मोलस्क। फिर तीसरा क्या आएगा बेटा? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बेटा, एम्फीबियंस में मेढक यानी कि फ्रॉग नहीं आएगा, मतलब फ्रॉग आएगा लेकिन उसका दूसरा फॉर्म आएगा, देखते हैं कौन सा। टैडपोल, कौन सा? टैडपोल। टैडपोल जो होता है वो एक लार्वा होता है फ्रॉग का, और ये हमेशा पानी में रहता है। फ्रॉग क्या होता है? वाटर और यानी कि एम्फीबिया है, तो बायो दोनों तरफ, एम्फी मतलब होता है टू और बायो मतलब लाइफ, दोनों जगह लाइफ कर सकते हैं, अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो मोलस्क हो गया एम्फीबियन, एम्फीबियन में टैडपोल हो गया। और सबसे ज्यादा इसमें क्या आएगा बेटा? फिशेस। क्या आएगा? फिशेस, फिशेस भी, क्योंकि फिशेस सब गिल्स के थ्रू करती हैं, है ना, जितनी फिशेस है मोस्ट ऑफ द। इसके बाद गिल्स के बाद क्या आएगा? लंग्स। फाइव नंबर क्या आएगा? लंग्स, लंग्स। अब आप फिशेस के बाद जितना भी आप देखते हो, यानी कि फिशेस जो है फिशीज को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो टेट्रापोडा में जाते हैं, तो टेट्रापोडा, है ना, टेट्रापोडा मुझे याद आ रहा है, हाँ गुड। टेट्रापोडा में जाएंगे तो आपका क्या क्या आएगा? रेप्टाइल्स, कमा एप्स और मैमल्स,
ठीक है, एम्फीबियंस जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें, ठीक है ना, फ्रॉग लंग्स के थ्रू, बक्टेरियल लंग्स के थ्रू। तो इस तरीके से ये हो गया क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जो आपका गिल्स और ट्रेकियल सिस्टम है, यानी कि आप जो देख रहे हो चार नंबर और तीन नंबर और चार नंबर थ्री नंबर प्लस फोर नंबर, ये क्या है, मोस्ट इफिशियंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन मोस्ट इफिशियंट रेस्पिरेशन है, ठीक है, कंफर्म। और एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि जो आपका गिल्स यानी कि एक्वाटिक रेस्पिरेशन इज स्लोअर देन टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, सॉरी एक्वाटिक रेस्पिरेशन इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन। मतलब क्या हुआ बेटा, हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिलती है, इसलिए हम लोग धीरे यानी कि स्लो रेस्पायर करेंगे तो भी चलता है, लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स को वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन को निकालना पड़ता है, इसलिए फटाफट बहुत फास्ट रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए एक्वाटिक रेस्पिरेशन फास्टर देन टेरेस्ट्रियल, नोट कर लें। अब बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या भाई, दुनिया भर के हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, भाई ह्यूमन पे आते हैं क्योंकि ह्यूमन तो जरूरी है भाई पढ़ना, क्योंकि उसी के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जरा देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना भाई, हम भी क्या कर सकते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास भी एक लार्ज स्किन है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में स्किन क्या नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, क्यों नहीं है देखते हैं जरा। एक तरफ हम स्किन लेते हैं यहाँ पे और दूसरी तरफ लेते हैं लंग्स, क्योंकि लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो दोनों में हमने अप्रोप्रिएट किसको माना है, देखते हैं जरा। सबसे पहले स्किन क्या होती है, थिक होती है ना, ठीक होती है, तो थोड़ा सा रेस्पिरेशन करना टफ हो जाता है, क्योंकि आप इससे रेस्पिरेशन थिक जो होगा वो जितना थिक होगा उतना ज्यादा गैसेस ऑफ एक्सचेंज ना के बराबर होगा या नहीं होगा। लंग्स की जो वॉल है तो वो क्या होती है, बहुत थिन होती है, वेरी थिन यानी कि बहुत पतली होती है, तो गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, Not easy to exchange of gases. यहां गैसेस का एक्सचेंज इतना इजी नहीं है, यहां पे इजिली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, इजिली गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज, कंफर्म। फिर दूसरा मॉइस्ट होने की जरूरत है, क्योंकि मॉइस्ट नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिजोल्व कैसे होगी, यहाँ मॉइस्चर की जरूरत है। तो मॉइस्ट क्या होता है, मॉइस्ट तो स्किन भी होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट स्किन है। और साथ ही साथ ये वैस्कुलर भी है यहाँ पे इसके नीचे, भाई सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन आई है तो उसको ले कौन जाएगा, ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड के पास कैपेसिटी होती है, क्या होता है ब्लड के पास, हीमोग्लोबिन, वो उसको बाइंड करेगा और कहाँ टिश्यू में पहुंचा देगा। तो वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड का होना जरूरी है ना ऑक्सीजन को डिजोल्व करने के लिए, तो मॉइस्ट तो है लेकिन वेस्कुलर भी है स्किन, है ना। अब लंग्स कैसा है, ये तो मॉइस्ट है, मॉइस्ट ये मतलब ज्यादा मॉइस्ट है, मॉइस्ट और हाईली वेस्कुलर है, ये हम देख लेंगे, हाईली वेस्कुलर है मतलब इसमें वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। इसका थर्ड कैरेक्टर सरफेस एरिया, इसका क्या सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया पूरी, अगर स्किन को हम लोग कट करके और इस तरीके से बिछा दें, तो क्या होगा,
कितने मीटर स्क्वायर या जो भी कितना कवर करेगी एरिया, 1.5 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगी कौन, स्किन। तो बहुत कम हो गया, 2 मीटर स्क्वायर उतने में केवल ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी तो बहुत कम होगी ना। अब इधर कितना है, इसका सरफेस एरिया है बेटा, इसका सरफेस एरिया कितना है, इसका है बेटा 70-75 मीटर स्क्वायर। अगर हम लंग्स के सभी एल्वियोलाई को ऐसे खोल खोल के ऐसे बिछा दे जमीन में तो 70-75 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाएगा। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है जिससे हम ऑर्गेन्स, कौन सा है जिससे हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, लंग्स बेटा, क्या हो जाएगा, लंग्स कंफर्म, क्योंकि हाईली वैस्कुलर भी है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, मोस्ट भी है, सबसे जरूरी है थिन, वेरी थिन, थिनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन डिजॉल्व जल्दी से हो जाए, है ना, कंफर्म। तो इसको नोट डाउन करें, आगे चलते हैं। अब बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप दो चीजें देखोगे, जैसे आप डाइजेशन में देखते थे वैसे आप यहां पे भी देखोगे, दो कौन कौन सी देखते हैं, जरा लाइन टेढ़ी बन रही है सीधी बना लेना आप लोग, सीधी बनाओ टेढ़ी बात तो एक ही काम से मतलब है ना, दूसरी तरफ और पहली तरफ अलग अलग कलर की है ना, कोई बात नहीं चलता है सब। देखो एक तरफ क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक है मतलब कि जिससे एयर अंदर जाती है वो रास्ता, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक था वैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और दूसरी तरफ क्या है, जहां रेस्पिरेशन हो रहा है यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है, और पहली तरफ क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स पहले बात कर लेते हैं, क्या ये तो आपका है क्या, लंग्स, क्या है, लंग्स है ना, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक बेटा कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के नीचे चलेंगे तो बेटा मतलब अंदर जाएंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आप देख रहे हैं जो टू ओपनिंग है इनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, नेजल चैम्बर, क्या मिलेगा, नेजल चैम्बर यानी कि नेजल कैविटी अंदर मिलेगी। नेजल कैविटी के अंदर जाएंगे तो पीछे की तरफ क्या मिलेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, क्या बेटा मिलेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है ना। इसको हम अभी और डायग्राम के थ्रू भी देख लेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहां ओपन होंगे, जाके नेजो फेरिंग्स आप पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। नेजो फेरिंग्स बेटा कहां जाएगा, फिर उसके आगे लैरिंग्स में, लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है ना, और इसी को ये कहां प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस में, कहां प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस, गलेट और ग्लॉटिस पढ़े हो ना, विंड पाइप को ग्लॉटिस बोलते हो और फूड पाइप को गलेट, तो लैरिंग्स में पहुंचा। लैरिंग्स के बाद पहुंचेगा बेटा ये ट्रैकिया, कहां पहुंचेगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद कहां जाएगा, फिर ये ट्रैकिया के बाद जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगा, फिर वहां से बेटा जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद वहां से जाएगा टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद कहां जाएगा, आगे कहां जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा बेटा, और ब्रोंक्यूल्स से कहां जाएगा बेटा, एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई, समझ रहे हो ना। अब बेटा यहां पे जो एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई दिया है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट, क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट है ना, रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब एक्सचेंज पार्ट मतलब यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कंफर्म। और जितना यहां पे एक चीज देख रहे हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और जितना भी ये बाकी का पार्ट है, चाहे उधर का हो चाहे उधर का, ये जितना भी पार्ट है, ये और ये वाला, ये सब क्या है बेटा, कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। मतलब यहां पे केवल, यहां पे केवल क्या जाती है, यहां पे एयर अंदर जा रही होती है, यानी कि जो ये पार्ट है ये कंडक्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, एयर को अंदर ले जाने के लिए कंडक्ट करते हैं, एक रास्ता कंडक्ट करते हैं। लेकिन मेन रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, कंफर्म। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है बेटा, इतना लंबा एक्सटर्नल नोस्टिल से स्टार्ट हुआ, फिर अंदर गए तो यहाँ पे नेजल चैम्बर है, यानी कि जो ओरल कैविटी है उसके रूफ पे क्या प्रेजेंट है, नेजल चैम्बर। फिर अंदर जाएंगे पीछे की तरफ तो आपको इंटरनल नोस्टिल्स मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेसोफेरिंक्स, फेरिंक्स में तीन पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। तो नेसोफेरिंक्स इसके बाद लैरिंक्स में जाएगी, है लैरिंक्स किसके थ्रू, ग्लॉटिस के थ्रू, ग्लॉटिस मतलब विंड पाइप। फिर ये ट्रैकिया में जाएंगे, ये ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेजस लिंक्स होती है, एक विंड पाइप है यहाँ पे, ट्रैकिया में जाएंगे। ट्रैकिया के बाद क्या आ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स। यानी कि एक ट्री कुछ ऐसे डिवाइड होती है, मतलब इसको हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। मतलब आप सोचो ट्रैकिया ऐसे, फिर इस तरीके से दो लाइंस, इस तरीके से डिवीजन होगा, फिर इसमें और भी बहुत सारे डिवीजन हो गए, है ना, इसमें भी ऐसे। तो कहीं ना कहीं ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया लेफ्ट राइट ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, और भी इसमें डिवीजन हो गया, है ना। फिर इसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, फिर उसमें एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई। मतलब आप देख रहे हो ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्री एक तरीके से बन जाता है। तो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर हम एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अपन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स को अगर देखोगे तो वन पेयर ओपनिंग ऑफ नोज, यानी कि ओपनिंग ऑफ नोज, नोज की ओपनिंग देख रहा है, वन पेयर दिख रही है, वन पेयर नोज ओपनिंग हो गई। कहाँ है बेटा, जस्ट अबव द, यानी कि अबव अपर लिप, अपर लिप्स, अपर लिप के ऊपर है, ठीक है, अपर लिप के ऊपर है। एयर एंटर्स इनटू इनसाइड, एयर एंटर्स इनसाइड, इसी से क्या होता है, एयर अंदर जाती है। अब जरा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम इसका बहुत जरूरी है, जैसा कि पहले भी बनाए थे। तो आप देखेंगे ये एक्सटर्नल नॉस्टिल्स है बेटा, दीज आर द एक्सटर्नल नॉस्टिल्स, एक्सटर्नल नॉस्टिल्स, ठीक है। इसके बाद यहां से इस तरीके से अंदर, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फिर यहां पे ये इस तरीके से, ये ओपनिंग होगी, ये युवला है आपका, है ना। फिर इसके बाद यहां पे इस तरीके से एक ये पाइप है, और एक ये पीछे की तरफ पाइप है, है ना, और इस पे कवरिंग लगी है। बात समझना ध्यान से, ये कवरिंग है बेटा, और ये जो लाइनिंग देख रहे हो ये सी से कार्टिलेजनस है, कार्टिलेज है। तो अब क्या हुआ बेटा, ये एक्सटर्नल नॉस्टिल्स हो गया, ये हो गया नेजल चैम्बर, क्या हो गया, नेजल चैम्बर, ठीक है, नेजल चैम्बर हो गया। अब आगे देखते हैं, जरा आगे पढ़ते हैं, पहले सेकेंड हेडिंग क्या आएगी, नेजल चैम्बर। सेकेंड एक्सटर्नल नॉस्टिल्स हो गया,
सेकेंड नंबर है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेजल चैम्बर बेटा जो दो नोज यहाँ से अंदर गई है, मतलब दो नोज इन द सेंस दो होल्स अंदर गए, तो अंदर भी दो ही पार्ट होंगे, तो टू इन नंबर, टू इन नंबर, दो नंबर इनका सेपरेटेड बाय कामा, सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। ये जो नेजल सेप्टम देख रहे हो ये अंदर भी, जैसे यहां डिवीजन है वैसे अंदर भी डिवीजन है, तो उसे हम नेजल सेप्टम बोलेंगे। नेजल सेप्टम से सेपरेटेड है। अब इसके अंदर बेटा जो इपिथीलियम है वो कौन सी है, इसके अंदर इपिथीलियम देखिए, इपिथीलियम कौन सी है, इसके अंदर इपिथीलियम है PSCCGE। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, सिलिएटेड, सिलिएटेड, कॉलमनर, कॉलमनर, ग्लैंडुलर इपिथीलियम, अंदर ग्लैंड भी है, ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ठीक है ना। ये है आपकी पी एस जी सी जी सी सी जी ई। अब बेटा क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो क्या नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर को आप अगर देखो तो यहां से लेकर के और यहां तक, यानी कि ये ओपनिंग जो है इनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, उसके अंदर जितना पार्ट है वो सब क्या है, नेजल चैम्बर। कहां तक? इंटरनल लेयर्स तक, कंफर्म ना। इंटरनल लेयर्स मतलब जो आपके लास्ट में ये इंटरनल लेयर्स दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको होल, दिस होल इज अ इंटरनल लेयर्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये क्या है बेटा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है। तो ये पूरा पार्ट जो नेजल चैम्बर है इसे तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स में इसके नेजल चैम्बर के। जरा देखते हैं कौन सा पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर है ना, वेस्टिबुलर पार्ट जरा यहां पर देखेंगे। वेस्टिबुलर पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टिबुलर पार्ट, वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर पार्ट मतलब ये जो आप अंदर देखते हो ये तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गया, अंदर देखोगे तो वेस्टिबुलर पार्ट मतलब यहां पे आपको हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हेयर्स कामा म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस सेबेसियस, सेबेसियस ग्लैंड, सॉरी है ना, हेयर्स और सेबेसियस ग्लैंड मिलेंगी। सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो ऑयल लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करती है, चिपचिपा ऑयल सब्सटेंस, ऑयल सब्सटेंस सिक्रीट करती है सेबेसियस ग्लैंड, है ना। अब क्या होता है कि जब एयर जाती है अंदर तो एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, तो उस डस्ट पार्टिकल्स को, उस डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कौन करता है? ये हेयर्स, जो नोज में हेयर्स होते हैं वो अननेसेसरी नहीं होते हैं, जो अपन ऐसे पकड़ के पकड़ के निकालते रहते हैं, कैची से भी काटते रहते हैं, वो एक्चुअल में नोज के अंदर हेयर्स होने का मतलब है एयर को फिल्टर करना, ना कि अननेसेसरी वो ग्रो कर रहे हो, उनका एक फंक्शन है ना। तो देखो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फिल्टर एयर, ये क्या करते हैं, फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एंटर अप हो जाते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है बेटा, दूसरा पार्ट इसका है आपका रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी पार्ट है ना। क्या पार्ट है बेटा? रेस्पिरेटरी पार्ट। यहां पे बेटा रेस्पिरेटरी पार्ट देखेंगे जरा, तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट है ना। अब ये रेस्पिरेटरी पार्ट्स यहां पे बोन्स होती है, तो बोन्स का एक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसे वो कॉन्की बोलते हैं। कैसे बोन्स का स्ट्रक्चर बना? दोनों तरफ, दोनों चैम्बर्स में क्या रहता है, बोन्स का स्ट्रक्चर बना रहता है कुछ इस तरीके से, एक दो और तीन, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। और इस स्ट्रक्चर को, यानी कि यहां पे कॉन्की होती है, कॉन्की जिनको हम बोलते हैं कॉन्की, क्या होती है, कॉन्की होती है बेटा, और ये बोन्स की बनी रहती है, बोन्स होती है, समझ रहे हो ना। इसमें ये कॉन्की होती है जो बोन्स की बनी रहती है, ये आप कॉन्की देख रहे हो, दीज आर द कॉन्की, क्या है ये
कॉन्की है, और कॉन्की जो होती है इसमें तीन होती है, यानी कि तीन दिख रही, एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, तो बोन इस तरीके से अरेंज होती है कि ऐसे तीन क्या बना ले, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तीन घुमावदार स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे ऊपर वाली सुपीरियर, सुपीरियर कॉन्की, सबसे ऊपर वाली, फिर मिडिल वाली है जो ये क्या है, मिडिल, मिडिल हो गया कॉन्की, और थर्ड नीचे वाली क्या होगी, इन्फीरियर कॉन्की, इन्फीरियर कॉन्की। मतलब ऊपर वाली जो दिख रही है ये एक नंबर, एक नंबर, ये दो नंबर, और ये तीन नंबर, ये तीन कॉन्की होती है, समझ गए। ये तीन कॉन्की जो है वो क्या है, सुपीरियर कॉन्की, मिडिल कॉन्की और इन्फीरियर कॉन्की, बोन से बनी है, ठीक है ना। अब जरा ये देखेंगे कौन कौन सी बोन से बनी है, तो तीन बोन से बनी है, थ्री बोन्स, यहाँ पे तीन बोन्स होती हैं बेटा। यहाँ पे तीन बोन्स कौन सी हैं, पहली इथेमोइड, इथेमोइड, ठीक है, इथेमोइड बोन्स, हम बोन्स में पढ़ेंगे जब स्केलेटल सिस्टम तब आपको समझ में आएगा, इथेमोइड बोन। फिर मैक्सिला, मैक्सिला बोन, ये भी फेस पे ही होती है, और नेक्स्ट लास्ट है नेजल बोन। तो ये तीन बोन हो गए आपकी, ये कॉन्की जो होती है बोन से बनी रहती है, कौन सी, इथेमोइड बोन, मैक्सिला बोन और नेजल बोन, ये तीन बोन से मिलकर बनी रहती है, कौन, कॉन्की। अब कॉन्की क्यों बनी है, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा तीन चैम्बर क्यों बना दिए गए बेटा। क्या होता है कि बाहर एटमोसफियर में, एटमोसफियर में बहुत ज्यादा ठंडी है, मतलब बहुत जीरो डिग्री टेम्परेचर है, तो आप अपने बॉडी को तो ढक सकते हो, लेकिन रेस्पिरेशन बंद कर सकते हो क्या, नहीं बंद कर सकते हो, रेस्पिरेशन नहीं बंद करोगे आप, रेस्पायर तो करोगे, यानी कि ब्रीथ तो करोगे, तो ब्रीथ करोगे तो एटमोसफियर की जो ठंडी है वो अंदर जाती है, तो जब अंदर जाती है तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे ऐसे घूमती है, इस तरीके से ऐसे घूमती, फिर ऐसे घूमती, फिर ऐसे घूमती, तो काफी टाइम तक यहाँ पे क्या रहती है, टाइम मतलब रहता है उसको, घूमने में टाइम लगता है एयर को अंदर जाने में। तो क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो एयर हो जाती है, अगर आप जीरो डिग्री सेल्सियस पे ऐसे एयर लेते गए ना तो आपकी बॉडी भी फ्रीज हो जाएगी, है ना। इसीलिए उसको रोकने के लिए क्या होता है कि ये कॉन्की होते हैं, जिससे क्या होता है एयर बार बार ऐसे मूव करती है अंदर, तो क्या होता है बॉडी टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वार्मिंग ऑफ एयर, क्या होता है वार्मिंग ऑब्लिक कूलिंग ऑफ एयर, कूलिंग भी कर सकता है ना, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कूलिंग ऑफ एयर, ये इसका काम है, किसका, रेस्पिरेटरी पार्ट का। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कंफर्म, वेरी गुड। अब लास्ट पार्ट आता है यहाँ पे, ऊपर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये वाइट वाली मेम्ब्रेन है ना, उसको, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी पार्ट, क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी पार्ट, ये लास्ट पार्ट है बेटा। तो ऑल्फैक्टरी पार्ट जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी पार्ट बोलते हैं, इसको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से ऑल्फैक्टरी पार्ट। आप लोग थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ऑल्फैक्टरी पार्ट है ये। अब ऑल्फैक्टरी पार्ट क्या करेगा, ऑल्फैक्टरी पार्ट जो है ये क्या होता है, कहाँ होता है, रूफ ऑफ, रूफ ऑफ, रूफ ऑफ नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के रूफ पे होता है, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर देख रहे हो उसके रूफ पे है, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे हेयर सेंसरी सेल्स होती हैं, सेंसरी हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स मतलब ये नर्व सेल है बेटा, नर्व सेल। आप कोई चीज स्मेल करते हो गुड या बैड, तो आप बता देते हो गुड है या बैड है, है ना, तो वो स्मेल एक्चुअली कौन लेता है, ये सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं। कहाँ पे होती हैं, ऑल फैक्ट्री पार्ट में। ये क्या करती हैं, जो सेंस है वो क्या करती है, रिसीव करती है स्मेल वाला, जो स्मेल है उसको परसीव करके बताती हैं, ब्रेन में भेजती हैं कि वो अच्छा है या बुरा। तो सेंसरी हेयर सेल्स है, सेंसरी मतलब नर्व सेल। और यहीं पे बेटा क्या होता है, बोमेंस ग्लैंड होती है, बोमेंस, बोमेंस ग्लैंड। अब देखो ध्यान से, बोमेंस ग्लैंड का काम क्या है, बोमेंस ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस, है ना। होता क्या है, जैसे आप खाना खाते हो, आप खाना खाते हो तो फूड जो होता है सलाइवा के साथ लिब्रेट होता है और टेस्ट बड उसका टेस्ट ले लेती है, रिसीव कर लेती है। आप लोग, हम लोग सोचते हैं कि हम एयर लेते हैं, एयर में जो स्मेल आ रही है
वो डायरेक्टली जो सेंसरी सेल या हेयर सेल है उससे जैसे टकराएगी वैसे वो सेल्स ले लेंगे कि स्मेल बैड है या गुड। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ये बोमेंस जो सेल्स है या ग्लैंड्स है ये म्यूकस सिक्रीट करती है किसके ऊपर, इन सेंसरी या हेयर सेल्स के ऊपर, है ना। मतलब जैसे सेंसरी सेल्स ये हैं तो इनके ऊपर ऐसे पतली सी परत म्यूकस की रहेगी, समझ रहे हो, पतली सी परत म्यूकस की, या ये सेंसरी सेल है इस तरीके से तो इनके ऊपर ऐसे पतली सी परत किसकी रहेगी, म्यूकस की। अब क्या होगा, जो भी एयर आ रही तो एयर पहले क्या डिजोल्व, किसमें डिजोल्व होगी, किसमें भीगेगी, उस म्यूकस में। और जब म्यूकस में डिजोल्व होगी देन आफ्टर ये जो हेयर सेल्स हैं सेंसरी ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, उससे गुड और बैड का जो स्मेल है वो रिसीव करके ब्रेन को देंगी। तो दोनों जगह बात एक ही है, जब तक स्मेल वाटर में मिक्स नहीं होगा तब तक वो रिसीव नहीं होगा। ऐसे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा तो बेटा मुंह में पानी अगर नहीं है बाई चांस, बिल्कुल सलाइवा नहीं है, तो आप कोई भी टेस्ट ऐसे ऐसे आप टंग के अंदर रखो आपको टेस्ट नहीं आएगा, सच है। तो क्या होगा, बोमेंस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है जिससे टेस्ट रिसीव हो जाता है। इसी को, इस मेम्ब्रेन को हम लोग सेनेडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनेडेरियन मेम्ब्रेन, SCHEDERIAN, सेनेडेरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेनेडेरियन मेम्ब्रेन, कंफर्म। तो यहाँ पे बोमेंस ग्लैंड है म्यूकस सिक्रीट करती है जिससे वो एयर जो होती है उसको हम लोग ऑलरेडी नोज जब पढ़ेंगे या फैक्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ लेंगे। तो बोमेंस ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है सेंसरी हेयर सेल्स के ऊपर, जिससे क्या होता है स्मेल को उसमें डिजोल्व कर दिया जाता है, फिर स्मेल जो होती है परसीव हो जाती है और ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है। ऑल्फैक्ट्री पार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेनेडेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कन्फर्म, पक्का। तो ये तीन पार्ट होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। पहला पार्ट जो जैसे घुसते हैं अंदर वहां पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूलर पार्ट। दूसरा अंदर जो पूरा खोखली जगह है ना, कैविटी है, उसमें क्या रेस्पिरेटरी पार्ट है, उसमें तीन बोन्स, मैक्सिला, नेजल और कौन सी, इथेनॉइड। ये तीन बोन, इनको MEN से याद रख सकते हैं, MEN। अगर इन तीनों बोन्स को आपको याद करना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म MEN, मतलब मैक्सिला, इथेनॉइड और नेजल बोन्स होती है यहाँ पे। और उनको हम लोग ये क्या करती है, कॉन्की फॉर्म करती है। कॉन्की मतलब एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है एयर जो होती है उसमें काफी देर तक ऐसे मूव करती है, तब जाके कहाँ जाती है, इंटरनल लेयर्स और फिर आगे जाती है। तो तब तक क्या होता है एयर का जो वार्मिंग होता है या कूलिंग होता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है और फिर आगे बढ़ा दिया जाता है इसको। और जैसे ही एयर ऊपर सबसे सुपीरियर कॉन्की के आगे बढ़ती है तो ऊपर क्या होता है रूफ होती है किसकी, नेजल चैम्बर की। तो वो ऑल्फैक्टरी पार्ट होता है, वहां पे सेंसरी हेयर सेल्स होती है, बोमेंस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है जिससे क्या होता है सेंस को परसीव कर लिया जाता है, यानी कि स्मेल को परसीव कर लिया जाता है और ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है, कन्फर्म, वेरी गुड। अब जरा देखेंगे इसमें ये यूवला है, यूवला जो होता है क्या करता है इसको बंद करता है इंटरनल लेयर्स को, है ना, ड्यूरिंग सोलोइंग, यानी कि सोलो करते हैं जब तो बंद कर देता है उसको। फिर ये आपका जो है वो तो आपको पता ही है, बैलेट है, बैलेट मतलब फूड पाइप। ये जो है आपका ये विंड पाइप है, क्या है, ग्लॉटिस, क्या है, ग्लॉटिस, और ये है एपिग्लॉटिस, ठीक है। और एयर जो होती है वो यहां से आकर के इसके अंदर जाती है, कंफर्म, इसके अंदर एंटर हो जाएगी एयर, इस तरीके से एयर इसके अंदर एंटर हो जाएगी। और ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स है, सी शेप्ड शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स, है ना। तो आप देख सकते हैं इसे फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि बोन टफ होती है और कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। तो आप यहां पे ऐसे देख सकते हो ये फ्लेक्सिबल होती है, विंड पाइप जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन सी शेप्ड ऐसे कंप्लीट पाइप को कवर नहीं करती है, केवल आधा कवर करती है, तो सी शेप्ड हो जाता है ऐसे। तो इतना हो गया, आप इसको नोट कर ले फिर आगे चलते हैं। फिर आता बेटा सेकेंड नंबर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, थर्ड नंबर आता है इंटरनल लेयर्स, इंटरनल नॉस्टिल्स या इंटरनल लेयर्स। ये कितने होते हैं, वन पेयर मतलब दो होते हैं, दो नॉस्टिल, यानी यहां से गए तो अंदर भी दो खुलेंगे जाके, ठीक है।
ओपन्स इनटू नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स में ओपन होते हैं जाके, ठीक है, ये नेसोफेरिंग्स है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है जाके, ठीक है, नेसोफेरिंग्स। इसके बाद गार्डेड बाई किसके थ्रू, गार्डेड बाई युवला के थ्रू गार्डेड होता है ड्यूरिंग सोलिंग, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना जो भी हो, सोलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरनल लेयर्स होते हैं। फिर आता है, आगे चलते हैं, तो आगे आएगा फोर्थ नंबर पे, आप इस देखेंगे ट्रैक में लैरिंग्स आएगा, क्या आएगा, लैरिंग्स बेटा। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, या फिर वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसे। अब इसकी लोकेशन देखते हैं जरा, लोकेशन कहाँ होता है, तो बेटा ये ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, वहां पे इसकी लोकेशन होती है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया के अपर पार्ट पे इसकी लोकेशन होती है ना, कंफर्म। जो अपर पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, यहाँ पे इस जगह कहीं लैरिंग्स होगा, बात समझेगी नहीं, कंफर्म। तो ये अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, लैरिंग्स वहां पे प्लेट है। अब मेडम ऑफ किससे बना रहता है, मेड बाय नाइन कार्टिलेज, ये नौ कार्टिलेज से बना रहता है, कितने बेटा, नौ कार्टिलेज। इन नौ कार्टिलेज को कैसे अरेंज किया गया है, जिसमें कि बेटा थ्री पेयर्ड कार्टिलेज है, पेयर्ड है मतलब तीन पेयर में कार्टिलेज है, और तीन क्या है, अनपेयर्ड कार्टिलेज, बात समझ रहे हो, तीन पेयर्ड है तो तीन यानी छह नंबर हो गया इनका, और तीन अनपेयर्ड है तो तीन इनका नंबर हो गया, तो छह तीन और कितना हो गया, नाइन कार्टिलेज। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन सी पेयर्ड है, कौन कौन सी अनपेयर्ड है, तो देखते हैं जरा, कौन कौन सी कार्टिलेज है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है थायराइड कार्टिलेज, सेकेंड नंबर है बेटा क्रीकोइड, तीसरा नंबर है बेटा एरिटिनॉइड, फोर्थ नंबर बेटा है कॉर्निकुलेट, फिफ्थ नंबर बेटा है जो है क्यूनिफॉर्म, और सिक्स नंबर जो है वो क्या है, एपिग्लॉटिस। मतलब ये छह टाइप की कार्टिलेज अपन को पानी है ना, जिसमें कौन कौन सी पेयर्ड है और कौन कौन सी अनपेयर्ड है, जरा देखते हैं। ए सी सी, ये तीनों जो दिख रही हैं आपको, एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, हाँ कॉर्निकुलेट, ये बेटा पेयर्ड है ना, और यानी कि ए सी सी जो दिख रही है वो पेयर्ड है, ठीक है, और इसमें क्या है क्यूनी और कॉर्नी, ये दोनों है, ठीक है, सी सी, और जो टी सी ई है वो क्या है, अनपेयर्ड, और इसमें सी जो है वो किसको डिफाइन करता है, क्रीक्वाइड। तो मतलब ए सी सी में कॉर्नी और क्यूनी पेयर्ड है वो, और टीसी में थायराइड, क्रिकॉइड और इपिग्लॉटिस, ये सब अनपेयर्ड है, कंफर्म। इसके आगे बेटा पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल स्टडी करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।